वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मैगरोनी और ये मेरे पास चिकन है, ये आधा किलो चिकन है। और इसमें लहसुन अदरक मैंने पहले से डाल दिया था और लहसुन अदरक डाल कर इसमें मिलाई जाता है। नीचे वो सब्जी सब्जी अगर ये कटी हुई हो ना सब चीज़ें तो बहुत जल्दी यानी आसान होता है पकाना, और अगर काटते हुए दिखाओ उसके अंदर बहुत टाइम लगता है। बड़े साइज की ना एक गाजर थी, ये साबुत रह गई शिमला मिर्च, और ये दो शिमला मिर्च। अब इसको मैं काट लेती हूँ। ये बन गोभी है, ये भी इसके अंदर डाल दूँ। ये नीचे जो है ना ये हरे पत्ते वाली प्याज है, ये अब इसके अंदर नमक डाल के और इसको उबाल दिए, और ये देखिए इसमें साथ में तेल भी डाला था, ये चिकने हो रहा है। तेल डालने से ये होता है कि जुड़ते नहीं हैं। ये सोया सॉस डाल रही हूँ मैं, ये मैंने 3 चम्मच डाले, कम रहे तो और डाल देंगे। ये वाइट सिल्का है, ये चिली सॉस है, क्योंकि इनमें भी ना नमकियात होती है, तो इस वजह से थोड़ा मैंने अभी नमक नहीं डाला है इसके अंदर। ये 1 चम्मच है हसबे जायक हो जाएगी, 1 चम्मच डाला मैंने इसके अंदर, क्योंकि अभी ये भून के बिल्कुल कम हो जाएगा तो नमक जाए, इस हिसाब से डाला मैंने। ये देखिए ये गल गई है, और अब इसके अंदर मैगरोनी डाल रही हूँ। अब पहले इसको मैं मिला लूँ फिर बाद में डालूंगी। अब इसको मिक्स कर रही हूँ।
इसमें मैं डाल रही हूँ चाइनीज नमक, और मैं अपने हाथ के अंदाजे से डालती हूँ। और ये एक चम्मच है, ये चाइनीज नमक है। और साथ में भी डाल रही हूँ केचप। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये तैयार है मैक्रोनी, और इसको मेरे तरीके से बनाएं, और ये बहुत मज़े की बनी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, लाइक ज़रा करें और शेयर वो कम मेरे को सब्सक्राइब करें। इतने दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, तो ये है कि आप लोग कर दिया करें, तो आप लोगों के ताबुन से ये हमारी जीत है। शुक्रिया।